व्यूअर्स एंड वेलकम टू डिफरिंग ज्ञान चैनल। तो व्यूअर्स, जिन सब कैंडिडेट आसाम पुलिस कमांडो बटालियन पे भर्ती होने के लिए जिन सब कैंडिडेट रिक्रूटमेंट रैली दिए हैं, इन सब लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ एंड कुछ लोगों के लिए भी बैड न्यूज़ होगा ये वीडियो। तो आप सब लोगों को पता होगा कि आसाम पुलिस कमांडो बटालियन जो रिक्रूटमेंट रैली जिन सब कैंडिडेट ने दिया है, इन सब कैंडिडेट का रिजल्ट आज दे दिया गया है। यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट से पहले एक रिजल्ट दिया जाता है, जो कट ऑफ वही दे दिया गया है, जो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग जान सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग विजिट करके आप लोग अपना खुद का रिजल्ट आप जान सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट पोर्टल पे आप क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी नोटिस यहाँ पे दिए गए हैं, जो 10 जून पे पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट, नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट फॉर रिक्रूटमेंट रैली 2450 पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एबी इन आसाम पुलिस बटालियन। तो नोटिस दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता होगा नोटिस में क्या लिखा हुआ है, आप सब लोगों को मिल चुका होगा नोटिस। तो रिजल्ट पोर्टल पे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे द डेट है, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस शॉर्टली। यानी जिन सब कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, इन सब कैंडिडेट साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ही दिन के यानी कुछ ही समय के अंदर आप लोगों का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन व्यूअर्स, बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इन लोगों ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर, यानी कमांडो बटालियन पर जो रिक्रूटमेंट रैली था, तभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर 58, 59, 60 मार्क बहुत सारे कैंडिडेट ने कलेक्ट किया है, लेकिन इन लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट और हाई मार्क मिलने वाला कैंडिडेट, जैसे कि 67, 69, 70 मार्क मिलने वाले कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, इन लोग ऑलरेडी आसाम पुलिस ABNUB पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं एंड ज्वाइनिंग भी ले लिया है इन लोग आसाम पुलिस बटालियन पे, एंड ऑलरेडी इन लोगों का ट्रेनिंग भी चल रहा है। तो इन लोगों का भी नाम यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट पे है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट है मैं जानता हूँ, इन लोगों का भी नाम यहाँ पे है। लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ काटअप की बात आ रहा है व्यूअर्स, यहाँ पे काटअप की बात आ रहा है। जिन सब कैंडिडेट ने अप्रॉक्सीमेटली 65 से ऊपर जिन सब कैंडिडेट ने कलेक्ट किया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर, इन सब कैंडिडेट सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हो जो 20 मार्क का है। एंड शॉर्टली आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, जो यहाँ पे नोटिस पे भी दिया गया है, और कुछ ही दिन के अंदर आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, जो मैंने बताया आप लोगों को साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए, किसके ऊपर, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, एंड किस तरह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, एंड क्या क्या क्वेश्चन आ भी सकता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना दिया, लेकिन कुछ वीडियो मैंने हाइड करके रखा है। तो सिक्योरिटी साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर मैंने कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग वीडियो देख सकते हो। एंड इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर मैसेज करना, अदरवाइज आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करते रहूंगा किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कौन सा क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, ये सब मैं आप लोगों को बोल दूंगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर मैसेज करना व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना व्यूअर्स। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।